तो दोस्तों अभी हमने देखा ये गुजरात से आए हुए हैं, काठियावाड़ी है, मारवाड़ी है और ये मिक्स ब्रीड भी है इनके अंदर। किसान है, एक एक दो दो घोड़े वगैरह लेके आते हैं, आप देख सकते हो। आप लाओगे ये? हाँ हाँ एक लाओगे क्या? हाँ, एक दो बेच दी सर। दो बेच दिए, दो बच्ची थी वो। अच्छा बच्ची बच्ची, कितने तक बच्ची थी? एक तो 40 की, एक 60 की, 500 की दोनों। और ये कितने तक बेचोगे? ये 70। 70 तक बेचोगे। क्या नाम है क्या? प्रेम सिंह जी। कहाँ से आए सर? मैं दांती ना थी सर। किसान ही हो आप तो? हाँ किसान ही। पालते हो? हाँ घर पे पालते, फिर खेती करते हैं, फिर और क्या करें, सब चीज रखना पड़ता है। ऊंट भी है, लेके आए उधर है। ऊंट भी लेके आए हो आप? अच्छा ऊंट भी पालते हो तो, और घोड़िया भी पालते? कितने बेचते थे साल में? साल में लगभग हो जाता है, नागौर आते हैं ज्यादा दूर तो जाते नहीं। अच्छा 4-5 हो जाते सेल बस गाँव में भी। हाँ गाँव में तो फिर जैसे सीजन होती शादी के, उसी लिए सीजन का काम हो जाता, फिर वो बड़ी का छोटी का मेले मेले आते इधर नागौर, 12 महीने के बाद होता भी। अच्छा अच्छा मतलब जो ठीक ठाक घोड़ी होती है उनको आप शादी ब्याह में भी काम में ले लेते हो? हाँ काम ले लेते हैं, बड़े होते तो फिर उनको सवार ला के उनको तैयार कर लेते हैं नचाने के लिए और शादी के लिए तैयार हो जाती है। अच्छा चाल चूल में हर चीज़ में। हाँ वो चीज़ तो बेनिफिट हो जाता है आपको? बेनिफिट तो होता ना, अभी आया तो वो बोल रहा था ना वो कि मैं 30,000 में देने के लिए तैयार था, गाँव का ये पास का ही। अब बोल रहे आप झूठ बोल रहे हो पैसे के लिए। झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने बताया ये पैसे 500 रुपये कम है, वो 39 में बेची बच्ची, उसने 30 बोला था। अच्छा अच्छा उससे आपने 30 में खरीदी, 39 बेच दी? नहीं नहीं बेची नहीं, हमारी थी, बाकी अभी आया ना वो। उसने बोला था 30,000 का गाँव में भाई दे। अच्छा अच्छा उसने बोला कि 30,000 में मैं खरीदूंगा। हाँ और यहाँ आपने 39 में 9,000 एक्स्ट्रा में बेच दिया? हाँ 9,500 में, 500 रुपये कम 40 में। हाँ। बोल रहे कि बेची नहीं आपने, मैं बोला फोन पे में डाले पैसे, वो तो सही है ना। हाँ वो है? तो सही है, सही है वो चीज़ है। फिर एक 500 कम 60 में बेची थी वो 50 देख बोल रहा था 50 उधर। अच्छा उधर 50 बोल रहा था। हाँ मतलब यहाँ पे बेनिफिट हुआ, देखो 10-10 हज़ार का मान लो 9,500 का हमको बेनिफिट हुआ, गलत थोड़ी हुआ दोनों का। तो मैंने दी थी मेरे मौसी के लड़के को घोड़ी, एक बच्ची थी वो। अच्छा अच्छा 39 की दी थी वो। देखो होता है सर हर चीज करने पे होता है, ऐसा नहीं कि फिर उनको। ये बैलगाड़ी, ये ऊंट गाड़ी आपकी है क्या? हाँ हमारे मौसी के लड़के की। ये कितनी पुरानी होगी जी? ये तो देखो मेरे मौसा जी थे उसी समय का है। तो आप यही लेके आते हो क्या? हाँ तो ये क्यों लेके आते? पानी वो साथ में होता है, पानी वानी चारा वारा सारा लेके आते हो? फिर लाते किसी घोड़ी के ऊपर तो ला नहीं सकते, फिर पिकअप वाले की जरूरत नहीं, हम सवारी करके लेके आ गए मैं। अच्छा इसको तो बाकी इसको इसके बांध के लेके आ गए होंगे? हाँ काटी वाटी इसके ऊपर पड़ा। हाँ अच्छा सवारी करके लेके आ गए और ऊँट को इसके लेके? हाँ ऊँट एक आगे था वो चलने वाला और पीछे एक था छोटा बच्चा। गाँव ही होगा आपका तो? हाँ और फिर घोड़े वोड़े रखते हो, ऊँट रखते हो? हाँ ऊँट रखते हैं, बकरी है, भेड़ है, सब भेड़ है, सारे जानवर, भैंस भी रखते हैं, गाय भी रखते हैं। अच्छा, देखो दांतीना गांव है हमारा, खींसर तहसील में, नागौर डिस्ट्रिक्ट है हमारा। अच्छा तो कैसी लगती है लाइफ आपकी? जैसे देखो लाइफ तो हम पिताजी थे वो करते थे, अब हम नए हैं फिर हमको भी करना पड़ता है वही चीज़। देखो सारी हर चीज़ वहाँ जाते हैं नॉलेज तो वहीं होता है, देखो वैसे गाँव में या हर चीज़ नॉलेज जहाँ शिक्षा लेते वहीं काम चलता ना, वैसे हर चीज़ का जाने के बाद ही पता चलता। ऐसे थे नहीं कि गांव में मेला लगता है, वो तो है नहीं, जैसे यहाँ हुआ पुष्कर हुआ, जैसे बालोतरा में है, हर जगह अलग अलग है। बालोतरा जाते हो आप? नहीं बालोतरा गए नहीं, बोला था बालोतरा पुष्कर का बोला था, अभी आया था ना वही क्या, चलो गया, मैं बोला नहीं जाना, इधर नज़दीक है इधर आ गए हम लोग। नहीं मैं इस हिसाब से पूछ रहा, जैसे गाँव होगा आपका तो गाँव में रखते हो? हाँ वो तो है गांव में, जैसे रखते हो क्या है तो कैसी लाइफ कैसी है? मतलब लाइफ देखो चलती है सर है? कहने का मतलब ऐसे नहीं कि हर चीज़ अपना बेनिफिट है, जैसे ट्यूबवेल है तो वो भी खेती के काम करते हैं, फिर घोड़ा घोड़ी के हो जाता है शादी के लिए वो बता रहा हूँ आपको, फिर गाय भैंस तो आपको पता दूध के लिए रखने पड़ते हैं, वो चीज़ है। अच्छा अच्छा लाइफ तो बढ़िया चलती है सर उसमें। और आगे बढ़ाने का क्या कुछ सोचा कि आगे? देखो अभी तो मैं थोड़ा बाहर का प्लान है वैसे घोड़ी, फिर बाकी नहीं तो मैं खुद रखूंगा वैसे। ज़्यादा अभी मार्केट देख रहा हूँ तो छोटे बच्चे का, 2 दिन से देख रहे हैं छोटे बच्चे का ज़्यादा मार्केट चल रहा है। अच्छा बड़ों का नहीं है, बड़ों का
कमाता है। छोटे बच्चे खरीद के वो पालो को। हाँ वही कर रहे हैं, मथुरा वाला आ रहे हैं अभी सुबह से, दो तो हमारे से लेके गए, दो तीन इधर पास में लिए, छोटे बस एक मार्केट है। अच्छा अच्छा, वही मार्केट कौन से ब्लैक और वाइट का, या चंबी या फिर पंच किलियन उसका है भाई, जैसे ये लाल कलर वाला इनका कम लग रहा है वो चीज़। अच्छा, ये सिंधन है हमारी बॉडी। अच्छा, सिंधी बॉडी है। हाँ, सिंधी का थोड़ा कम मार्केट। मतलब जैसे आप मेले में आते हो तो एक्सपीरियंस मिलता है आपको कि भाई कि कौन सी पानी चाहिए, क्या है, कैसा है, फिर मार्केट भी कौन सा है, किस चीज़ का घोड़ी का मार्केट है, कौन सा नली या इनका पैर का वो कौन सा भौंरा होता है, वो कौन से सही होते हैं, कौन से क्या होता है, वो भी नॉलेज होता है। बात या कुछ डिस्कशन सही होता है, डिस्कशन होता है। जैसे आपकी घोड़ी देखने आएगा तो वो देखेगा इसकी हर चीज़ है ना, तो वो आपको नॉलेज होती जाएगी धीरे धीरे कि भाई इसने क्या क्या चीज़ बताई है, क्या कमी बताई है इसने। हाँ, वो चीज़ होनी ज़रूरी है, इसी वजह से हमने बढ़िया है ये चीज़। हाँ, जैसे भौंरे हुए ये कहाँ होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, कौन से गलत है, कौन से सही है, वो जरूरी है। अगर व्यापार करते हो तो ये चीज़ देख के ही खरीदना चाहिए है ना, ताकि आगे बेचने में सुविधा रहे। सुविधा रहे, अपने को नॉलेज होता ना, इसीलिए अपन भी व्यापार का चीज़ कर सकते हैं। जैसे भाई उसमें बेनिफिट होता है, जैसे मेला है उस समय कहाँ, हाँ वो घोड़ी लें या वो कलर की लें, वो जैसे भौंरे वाले लें तो अपने बेनिफिट होगा, अपन ले ले पहले कहीं आजू बाजू से, मेला है उस समय लेके चले जाएं, रहना तो पड़ेगा, बस वहाँ सेल कर देंगे। हाँ, जैसे आप आते हो यहाँ पे मेले में तो एक्सपीरियंस तो रह ही गया, हो ही गया आपको, और जो किसान यहाँ नहीं आ पाते हैं तो आप उनकी खरीद के बेच सकते हैं भाई, अपना भी पैसा जैसे सेल करने के बाद जैसे उनसे कम लिया हमने, ज़्यादा बेनिफिट होगा ना। आज 30 में लिया, आज 40 बिक्री, तो 10,000 का बेनिफिट होता है। वो चीज़ काफ़ी नॉलेज काफ़ी अच्छी हो गई आप। देखो नॉलेज तो कोई भी हो ना होता ही है, वो चीज़। आप यहाँ लोकल नागौर के? नहीं, मैं तो अजमेर से। अजमेर से है आपके, वहाँ तो इधर बढ़िया भी है ना मेला वहाँ भी। चलो जी, बहुत धन्यवाद आपका। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है जी आपके? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, लिखो आप जैसे 9875120025। प्रेम सिंह नाम है। प्रेम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर, धन्यवाद।